in Vietnam now. Assalamualaikum guys, मैं हूँ अभी वियतनाम के हनोई सिटी में और मैंने अभी अपना जो है इमिग्रेशन वगैरह मैंने क्लियर की है. वीज़ा ऑन अराइवल है पाकिस्तानी के लिए और वीज़ा ऑन अराइवल मैंने कैसे लिया है ये मैं सब आपको बताऊँगी इस वीडियो में. Another vlog. In today's video, I am going to share my experience on Vietnam visa because I have been receiving a lot of messages on Facebook, Insta, WhatsApp, everywhere. So I am making this video for you guys ताकि आप लोगों को एक understanding मिल जाए. Although I have shared a complete process and requirements on my travel group also World Explorers. As you guys know, I run a travel group on Facebook. तो आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर आप वो ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहें तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. अदरवाइज इस वीडियो को आप देख के आपको एक क्लियर पिक्चर एंड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. Vietnam visa is on arrival for Pakistani passport holders, but still you need an invitation letter. और ये invitation letter कौन provide करता है? ये invitation letter हमें Vietnam की local company provide करती है. और अगर आपके friends या relatives Vietnamese हैं तो वो भी आपको sponsor कर सकते हैं. ये invitation letter एक main important document है जिसकी basis पर आपको on arrival stamp visa मिलता है, जहां आप at the time of immigration 25 USD pay करते हैं और आपको स्टैम्प वीज़ा दिया जाता है. कोविड के बाद की रिक्वायरमेंट्स भी सेम ही हैं लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेज है. अब इनविटेशन लेटर लेने के लिए आपको एक कंप्लीट पैकेज लेना पड़ता है. नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू बाय अ पार्शियल पैकेज और अ कंप्लीट पैकेज. ये आपके वेंडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या ऑफर करता है. मैंने ट्रैवल किया था तो मेरे वेंडर ने मुझे पहले लेटर का कहा था कि वो मुझे लेटर भी प्रोवाइड कर देगा, बट उसने मुझे कहा एज़ पर न्यू रिक्वायरमेंट्स इमिग्रेशन इज़ वेरी टफ, बहुत से सवाल करती हैं, हम ये रिस्क नहीं उठा सकते. क्योंकि जब आपको इनविटेशन लेटर जो आपको प्रोवाइड करते हैं ही और शी इज़ अ स्पॉन्सर एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टूर. आप जितना भी वहाँ पर स्टे करते हो, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो ही रिस्पॉन्सिबल है. जब आप वेंडर से इन्विटेशन लेटर मंगवाते हैं तो आप एक मेन चीज है आपकी ट्रैवल डेट्स. इन ट्रैवल डेट्स को आपकी इनविटेशन लेटर पर मेंशन किया जाता है, जिस डेट को आप एंट्री कर रहे हैं और जिस डेट पर आप एग्जिट कर रहे हैं. जैसे आप 10 तारीख को ट्रैवल कर रहे हो और 20 तारीख को आपकी एग्जिट है, तो मींस कि आपको 10 तारीख को ही एंट्री करनी है. आप 11 को एंट्री नहीं कर सकते हो, आपका वीजा एक्सपायर हो जाएगा, इट्स यूजलेस फॉर यू. और ना ही 10 से पहले आप ट्रैवल कर सकते हो, आपको 10 को ही ट्रैवल करना है. और जब आपकी एग्जिट 20 तारीख को है तो आपको 20 को ही एग्जिट करना है. और लेट्स से आपने अगर 21 को एग्जिट कर दी है तो आपके ऊपर फाइन लगेगी. अब ये फाइन कितनी है और उसके बाद आपसे कितनी इन्वेस्टिगेशन हुई जाती है, क्या चार्ज करते हैं आपसे, इस बारे में आपको उसी वक्त ही पता लगेगा. लेकिन इट्स बेटर कि आपके पास जो एग्जिट आपको दी गई है आप उसी दिन ही उसी डेट पर आप अपना एग्जिट करें. क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं दोबारा से वियतनाम का तो आप बहुत सारे इश्यूज फेस करेंगे. अब इस पैकेज की कॉस्ट क्या होती है? इस पैकेज की कॉस्ट आपके डेज पर डिपेंड करती है. लेट्स से आपने एक हफ्ते का पैकेज लिया है और एक हफ्ते में आप हनोई एंड होचीमिन विजिट कर रहे हैं, तो इस पैकेज की कॉस्ट आपकी फ्लाइट्स को निकाल के आपके होटल्स टूर्स एंड ट्रांसफर्स, तो आपको ये 450 to 500 USD पड़ जाएगा. कोविड के बाद वियतनाम एक्सपेंसिव लगा है मुझे, स्पेशली आपको फूड में और आपके टूर्स मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगे. क्योंकि टूर्स जब हम मोस्टली हम जब खुद कर रहे होते हैं, बिकॉज वी बीइंग अ सोलो ट्रैवलर्स, हम जब खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो हम जाते हैं हम चीपेस्ट डील्स पे जाते हैं, ऑफर्स पे जाते हैं. लेकिन अब पैकेज खरीदें, क्योंकि डेफिनेटली जो जिससे आप पैकेज मंगवा रहे हैं वो अपना भी कमीशन रखते हैं, है मीन्स कि आपको वियतनाम ट्रैवल करना पाकिस्तान से बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है. जबकि कोविड से पहले देखा जाए तो आप इनविटेशन लेटर मंगवाते थे एंड इट वाज अराउंड 150 USD
और उसके बाद आप जब वहाँ पे वियतनाम लैंड करते थे तो एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन 25 यूएस डी से पे करते थे, और उसके बाद आप अपना 10 दिन का आप अगर इनविटेशन मंगवाते हैं तो 10 दिन आप अपना स्टे कर सकते हैं। बात आती है कि आपके स्पॉन्सर को क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड है। आपसे आपके स्पॉन्सर को आपसे चाहिए होगा रिटर्न टिकट, इसमें आप एग्जैक्ट अपनी डेट्स देंगे एंट्री एंड एग्जिट की, आपकी आपका वैक्सीनेशन कार्ड, आपके पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, दो पिक्चर्स और आपकी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मस्ट है, जितने दिन आप स्टे कर रहे हैं उतने दिन की आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। जहां तक आइटनरी की बात है तो आइटनरी, एक प्रपोज्ड आइटनरी आप अपने स्पॉन्सर से भी मंगवा सकते हैं। अगर आपको जस्ट इनकेस आपको जगहों का नहीं पता कि वियतनाम में आपको कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है, एक हफ्ते में या 10 दिन में आपको कहाँ जाना है, तो वो भी आपको एक प्रपोज्ड आइटनरी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप खुद भी अपनी प्रपोज्ड आइटनरी अपने स्पॉन्सर को दे सकते हैं कि आपको इतने इतने दिन आपको इस सिटी में स्टे करना है, ताकि उसके हिसाब से आपके वो टूर्स अरेंज कर सके। ये प्रपोज्ड आइटनरी आपके इनविटेशन लेटर के साथ लगती है, जो कि आप जब आप अप्लाई करते हैं तो ये प्रपोज्ड आइटनरी और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होके आपके इनविटेशन के लिए जाते हैं। अब बात करते हैं इमिग्रेशन प्रोसेस की। वियतनाम जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ है। अगर आपके पास लेटर है तो वो लेटर बस आपने एक फॉर्म देंगे आपको, ये है मिदत रूममेट। अच्छा, आपने करना ये होता है कि वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो फिल करना है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपने 25 USD पे करना है। मेक श्योर कि आप अपने साथ एक पिक्चर ज़रूर रखें, क्योंकि मैंने पिक्चर नहीं रखी थी तो 5 USD मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़े हैं। बहुत ही प्रोसेस जो है वो सिंपल स्मूथ है, आपने जस्ट फिल करना है और आपको वीज़ा मिल जाएगा, वीज़ा ऑन अराइवल है। बाकी कुछ भी नहीं पूछते, ना होटल बुकिंग्स देखी है, ना इंश्योरेंस है, ना कोविड है, कुछ भी नहीं। सो वी आर इन वियतनाम नाउ, ये। तो इमिग्रेशन प्रोसेस जो था वो बहुत ही स्मूथ था। जब तक मैंने लैंड नहीं किया था मुझे यही डर था कि क्या होने वाला है, कौन से सवाल पूछे जाएंगे, ऐसा तो नहीं है डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि कोविड के बाद जिस तरह से डराया गया था कि हमारी नेशनैलिटी बहुत टफ है और इमिग्रेशन जो है वो बहुत सवालात करती है, तो बहुत सारे सवालात चल रहे थे माइंड में और बहुत डर था। लेकिन क्योंकि मैंने पैकेज दिया था तो मुझे मेरे से इमिग्रेशन ऑफिसर ने सवालात नहीं किए थे। आपको सिर्फ एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म में आपकी डिटेल्स होती है, आपके स्पॉन्सर का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, आप कितने दिन स्टे करने वाले हैं, आपकी एंट्री डेट क्या है, एग्जिट डेट क्या है, कहाँ कहाँ आप जाएंगे, तो ये सारी डिटेल्स हैं जो आपको उस फॉर्म में लिखनी होती है। अच्छा, एक चीज मैंने ये नोटिस की थी कि मुझसे होटल्स बुकिंग का नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं पूछा गया, क्योंकि मेरे पास एक पैकेज था, मेरा स्पॉन्सर बैठा हुआ है जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। मैंने आपको शुरू में भी वीडियो में बताया था कि जब आप इनविटेशन लेटर अप्लाई करते हैं तो ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टूर। मेरा जो अराइवल था वो हनोई सिटी में था और मैंने एग्जिट किया था हो ची मिन्ह सिटी से। कितने दिन मैंने स्टे किया था, आइटनरी क्या थी, मैं इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में तफसीलात से शेयर करने वाली हूँ। और हो ची मिन्ह से कंबोडिया मैंने लैंड क्रॉसिंग कैसे की, ये भी मैं अपना एक्सपीरियंस अगली वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वियतनाम ट्रैवल करना चाह रहे हैं बट उनको पता नहीं है कि वियतनाम का वीज़ा कैसे लेना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है वियतनाम वीज़ा के हवाले से या आपको कोई पैकेज चाहिए है वियतनाम का, क्योंकि डेफिनेटली जब आप वीज़ा लेटर तो उसी वक्त आपको मिलेगा जब आप पैकेज लेते हैं, तो आपको इस हवाले से कोई भी हेल्प चाहिए है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको उधर भी रिस्पॉन्स दूँ। अगर आप चाहते हैं फेसबुक पर कॉन्टैक्ट करना या इंस्टा पर, तो वहाँ पर भी मैं अवेलेबल हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स दूँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।